कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो भी क्या, 12th तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई। नुकसान नहीं है सर कोई। है, नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज़ को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीज़ें होती हैं, अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट, भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना, 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। अब फ्रॉडबाजी की सजा पता है कितनी इंडिया में? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर, जो तू करके आया है ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इंप्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने हैं। भाई यहां तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है, और वो ऐसे थोड़ी होगा रट के कॉपी करके, गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रेंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। तो ये जो बैच वैच से मर्डर, ये तेरा सत्य है, एक्सेप्ट कर। यस सर। अब ये भी सत्य है कि तू एक रात में पूरा मैकेनिक स्टार्ट गया, तो फाइटर स्टूडेंट तो है तू, और एक टीचर को सिर्फ उतना चाहिए होता है। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? अरे आना कुछ बोल यार। हाँ सर। चल जा, रिसेप्शन पे जितने निकलने वाले होते। सर रे, बचे हुए बाकी 8 कैसे करूं? चला जा रिपीटर बैच में, यही चल रहा है। चल।